आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है, दीर्घदृष्टि दोष क्या होता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आंख केवल 25 सेंटीमीटर की ही वस्तुओं को देख सकती है, जो कि क्या होता है, हमारा निकट बिंदु होता है। ठीक है, तो हमारी आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। ठीक, और हमारी आंख अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकती है, अधिकतम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। तो इस दोष में होता है क्या है कि मैं दूर की वस्तुएं दिख रही होती हैं, दूर की वस्तुएं दिख रही होती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही होती है लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी आंख अपनी समंजन क्षमता लगाती है निकट की वस्तुओं देखने के लिए और दूर की वस्तुएं देखने के लिए। ठीक है, तब होता क्या है कि इस दोष में हमें दूर की वस्तुएं दिख रही होती लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिख रही होती। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा निकट बिंदु है, निकट बिंदु क्या है, हमारा 25 सेंटीमीटर पे है, तो वो निकट बिंदु या तो हमारा खिसक गया है आगे खिसका, या तो हमारा निकट बिंदु पीछे खिसका। तो देखते हैं कि इस दोष में क्या हो रहा है ऐसा कि हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कारण जो है। तो यह दोष होता कब है, जब हमारे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ नहीं सॉरी कम हो जाए जब नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए और क्या हो जाएगा, जब वक्रता कम होगी तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारी जो फोकस दूरी है वो बढ़ गई है, इस कारण हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, और दूसरा कारण ये होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है, जो रेटना है हमारा, उसकी जो दूरी है, ये हमारा रेटना, तो जो हमारा रेटना है उसकी दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम कह सकते हैं नेत्र लेंस व रेटना की दूरी कम। तो हमने देखा, दो चीजें हमने देख ली हैं कि पहला कारण क्या है, पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो गई है, इस कारण क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ गई है, और दूसरा क्या है, नेत्र लेंस और रेटना की दूरी कम हो गई है। ठीक है, तब होता क्या है इस दोष में कि जो हमारा निकट बिंदु होता है, वो हमारे निकट जो हम लोग पास की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी समंजन क्षमता लगाते हैं, तो होता क्या है कि इस दोष में जो हमारा निकट बिंदु होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है, आगे खिसक जाता है। तो जो हमारे समान नेत्र है उसके निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेकिन जब इस दोष, जब हमारी आंख में ये दोष हो गया है, तो क्या होता है कि हम अनंत और या तो हम दूर की वस्तुओं देखने के लिए जो हम समंजन क्षमता लगा रहे हैं, तो उसके लिए तो हम लोग समंजन क्षमता लगा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग निकट की वस्तुओं देखने के लिए समंजन क्षमता लगाते हैं, तो वह क्या होता है, 25 सेंटीमीटर आने से पहले ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो हमारा निकट बिंदु है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो गया है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा निकट बिंदु की जो दूरी है वो क्या हो गई है, अधिक हो गई है, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो गई है, इसलिए हम कह सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दोषित नेत्र। ठीक है, तो हमने कारण समझ लिया। अब प्रश्न पूछा गया है कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगर हम अपना जो अगर हम अपनी आंख में अगर हम उत्तल लेंस का कोई चश्मा लगा लें, ठीक है, अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे दोषित आंख के लिए, तो क्या होगा, अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसा होगा क्यों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा नेत्र लेंस है वो किसकी भांति कार्य कर रहा होता है, वो उत्तल लेंस की भांति कार्य कर रहा होता है, और जब हम एक और उत्तल लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, जो इनकी जो तुल्य फोकस दूरी होगी वो क्या करेगी, जो हमारी फोकस दूरी पहले बढ़ गई थी, भाई हमारी फोकस दूरी तो बढ़ी थी, तो हमारी जो फोकस दूरी बढ़ गई थी, तो उत्तल लेंस लगाने से होगा क्या, जो हम उत्तल लेंस लगा देंगे तो जो उनकी तुल्य फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी,
और जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो जो हमारा निकट बिंदु है वो क्या हो जाएगा? निकट बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर के पास ही आ जाएगा, के पास आ जाएगा। वैसे आता नहीं है ये, लेकिन हमको ये 25 जो वहाँ निकट बिंदु वो 25 सेंटीमीटर के पास आता वो प्रतीत होता है। तो इस प्रकार हम जो है चश्मा जब लगाते हैं उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ चश्मा लगाते हैं तो हमें ये क्या होता है, वस्तुएं पास की दिखने लगती हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही वस्तु जो हमारी किरणें होती है वस्तु से चलती हैं, तो पहले तो ये वस्तु जो जो हमारी जो वस्तु चलने जो किरणें वो पहले कहाँ पर मिलेंगी, वो मिलेंगी हमारे उत्तल लेंस पे, क्योंकि फोकस दूरी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये जो है उन किरणों को क्या करेगा, अपवर्तित कर देगा, और अपवर्तित करके फिर ये किस में मिला देगा, हमारे नेत्र लेंस पे अपवर्तित कर देगा। तो क्या होगा, अब कुल मिला करके जो ये हो रहा है कि जो हमारी किरणें आ रही हैं उनके द्वारा जब उनका अपवर्तन हमारे नेत्र लेंस पे हो रहा है तो जो तुल्य फोकस होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, निकट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें लगेगा कि जो हमारी वस्तु जो हमारी किरणें हैं वो हमें निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के बने हुए चश्मे का प्रयोग करने पर क्या होगा, इस दोष को दूर किया जा सकता है, इस दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में जो हमारा दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और दूरदृष्टि दोष होता क्यों है, क्योंकि जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। या दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस और रेटना की फोकस दूरी कम हो जाती है। और इस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस के बने हुए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस के जो जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी तुल्य फोकस होती है वो कम हो जाती है और निकट बिंदु अपनी स्थिति पे आ जाता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।